अलगूम और स्किन केयर पी के में खुश आमदीद मेरा नाम है शेरफ मैं केमिस्ट और स्किन केयर एक्सपर्ट हूँ और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं पॉन्ड्स की एक बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम का जिसका नाम है वाइट ब्यूटी सुपर नाइट क्रीम तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली बात तो यह है कि क्योंकि मैं खुद केमिस्ट हूँ मैं इस तरह की प्रोडक्ट्स खुद बनाता हूँ और ऐसा बहुत कम होता है कि कोई प्रोडक्ट मुझे इतना इम्प्रेस करे जितना इस प्रोडक्ट ने मुझे इम्प्रेस किया है अब इसके पीछे एक लंबी तफसील है और मैं कोशिश करूँगा कि आपको केमिस्ट्री में ना उलझाऊँ आपको मुश्किल बातें ना बताऊँ आई विल ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज़ पॉसिबल इन्होंने इस क्रीम को एज़ आ वाइटनिंग क्रीम इंट्रोड्यूस करवाया है और यही इसकी मेन क्वालिटी है लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वाइटनिंग क्रीम से बढ़कर भी कुछ है नाइट क्रीम तो है ही लेकिन उससे बढ़कर भी कुछ है तो उसके पीछे हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की एक बहुत मज़ेदार लिस्ट और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको फार्मूलेट किया है और इसके इंग्रेडिएंट्स को डिज़ाइन किया है अब उस पर बात करते हैं वाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स की बात है तो इसमें बहुत अच्छे वाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है बहुत सेफ़ हैं स्किन के लिए उनमें एक तो वाइटामिन सी है सोडियम एस्कॉर्बाइल फास्फेट के नाम से इसके अलावा वाइटामिन बी थ्री है नियासिनाइड या नायासनामाइड दोनों ही बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये स्किन को ब्राइट करते हैं स्किन पे ग्लो लेके आते हैं उसके साथ साथ जो डार्क स्पॉट्स होते हैं डार्कर एरियाज़ होते हैं स्किन के उनको भी लाइटन अप करते हैं तो ओवरऑल ये दोनों इंग्रेडिएंट्स बहुत सेफ़ हैं और स्किन को वाइट और ब्राइट करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं इसके बाद आ जाते हैं एंटी तो एंटी में जो वाइटमा नहीं है वो मेरा ख्याल है उसे किसी तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है बहुत अच्छा एंटी है प्लस इसके साथ इस इन्होंने बी एच टी भी शामिल कर दिया है तो आ, जस्ट एक एंटी नहीं रखा दो एंटी कर दिए हैं ताकि स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बेनिफिट्स मिल सकें अब आ जाते हैं तीसरी बात पर तीसरी बात यह है कि इन्होंने इसमें सनस्क्रीन भी शामिल कर दी है अब क्योंकि ये नाइट क्रीम है तो थोड़ा सा मेरे माइंड में आ रहा था कि इन्होंने सनस्क्रीन क्यों ऐड किया इसकी क्या ज़रूरत थी अब रात को ये क्रीम लगा के सोना है ये क्रीम लगा के धूप में बाहर तो जाना नहीं है एनी ये क्रीम लगा के आप धूप में बाहर भी जा सकते हैं इसे जस्ट आप नाइट क्रीम मत समझें इसे आप एज आ डे क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं अब जो इसमें सनस्क्रीन शामिल हैं उनमें एक तो फ़िज़िकल सनस्क्रीन है एक एक केमिकल सनस्क्रीन है सनस्क्रीन है और दो फिज़िकल सनस्क्रीनज हैं तो ये तीन जो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं यू और यू रेज़ को ब्लॉक करने के लिए ये दोनों बहुत अच्छे हैं तीनों बहुत अच्छे हैं इसके अलावा इस क्रीम में ह्यूमेक्टेंट्स बहुत अच्छे ऐड किए हुए हैं जो स्किन को बहुत अच्छा मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं जिनमें सोडियम पी है वैसे सोडियम पी मोस्टली तो हम इसे जानते हैं एज आ ह्यूमेक्टेंट लेकिन ये स्किन को वाइट और ब्राइट करने में भी अपना रोल प्ले करता है इसके अलावा इसमें ग्लिसरीन भी है और भी एक दो चीज़ें हैं लेकिन मेन चीज़ें यही हैं इसके साथ जो इसमें इन्होंने एक फ्लैगशिप इन्ग्रीडियंट ऐड कर दिया है वो है ग्लूटामिक एसिड अब ग्लूटामिक एसिड की जितनी तारीफ की जाए कम है मेरा ख्याल है ये हाइड्रोनिक एसिड से अच्छा होता है ये जो स्किन की पीएच है उसे मेंटेन रखने में स्किन की हेल्प करता है और स्किन को अपना मॉइस्चर लेवल बरकरार रखने में स्किन की हेल्प करता है यहाँ ये चीज़ बड़ी काबिल गौर है थोड़ी टेक्निकल चीज़ है फॉर एग्जांपल आपने कोई मॉइस्चराइजर स्किन पे अप्लाई कर लिया तो उसने आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करना है स्किन को हाइड्रेट रखना है लेकिन जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो स्किन की काबिलियत और स्किन को अपने पाँव पर खड़ा करता है ताकि स्किन खुद अपना मॉइस्चर लेवल को मेंटेन रख सके ये बात टेक्निकल है अब बात कर लेते हैं इस क्रीम के टेक्सचर की तो मुझे ये टेक्सचर बहुत ही पसंद है ये बेसिकली क्रीम नहीं है ये इसे आप एक हाइब्रिड क्रीम कह सकते हैं ये कार्बोमर बेस्ड क्रीम है तो आप इसे कह सकते हैं कि ये जेल को और क्रीम को आपस में मिक्स किया हुआ है तो उन दोनों को मिक्सचर से क्रीम की जो कंसिस्टेंसी है जो क्रीम की एप्लीकेशन है क्रीम की जो फ़ील है बहुत ज़बरदस्त आती है और बहुत लग्जरी फीलिंग आती है तो ये जो जेल क्रीम मैं इसे कहूँगा मुझे इसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी लगी है और मैं इस तरह की क्रीम का बेसिकली फैन हूँ मैं इस तरह की क्रीम ख़ुद भी इसलिए अप्लाई करता हूँ कि मुझे जो थिक और हेवी क्रीम्स होती हैं वो लगाने के बाद फेस पे पसीना आना शुरू हो जाता है तो मुझे इस तरह की क्रीम सूट करती हैं और मेरा ख्याल है ये सभी को सूट करेंगी वैसे सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स तो नहीं हो सकती नॉर्मल स्किन वाले इसे यूज़ करें उसके साथ ड्राई स्किन वाले इसे यूज़ करें ड्राई स्किन वालों के लिए तो ये एक गिफ्ट है अगर आपकी स्किन ड्राई है आपने ये क्रीम परचेज़ कर ली है मेरे कहने पर तो आप समझ लें कि आपको मेरी तरफ से ये क्रीम गिफ्ट मिल गई है कितनी अच्छी है ड्राई स्किन के लिए जहाँ तक बात है सेंसिटिव स्किन की वो भी लगा सकते हैं जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन है उसके बारे में मेरा हर प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा कंसर्न होता है कि पहले वो लगा के पैच टेस्ट कर लें क्योंकि जिनकी स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव होती है उन्हें कोई सिंपल मॉइस्चराइज़र लगाने से भी बाजा मसला हो सकता है अब जहाँ तक बात है ऑयली स्किन की वो भी लगा सकते हैं लेकिन ये ऑयल कंट्रोल नहीं करेगी अगर आपकी स्किन ऑयली है प्लस आपकी स्किन प्रोन है तो आपको इन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है आप पहले एसिड वाली कोई प्रोडक्ट यूज़ करें या वो प्रोडक्ट यूज़ करें जो स्किन से ऑयल को खींच ले या ऑयल को मिनिमाइज़ करें अगर पोर्स के मसले हैं तो पोर्स के मसले हल हो जाएं एकनी ठीक हो जाए तो फिर आप इस क्रीम की तरफ आएँ बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और मेरे ख्याल में आप इसे अपनी नाइट स्किन के रूटीन का हिस्सा बना लें इसमें इतनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं थोड़े से मैंने इंग्रेडिएंट्स पे बात की है अगर तमाम इंग्रेडिएंट्स पे बात करूँगा तो बात लंबी हो जाएगी मैं तो मेरा ख्याल है क्योंकि मेरा तो काम ही यही है तो मैं तो इस चीज़ पे सारा दिन बैठ के बात कर सकता हूँ और आज से हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है प्रोडक्ट्स की रैंकिंग करने का और उन्हें नंबर देने का तो इस क्रीम को मैं कितने नंबर दूँगा एक तो इस पर उन्होंने मैंशन नहीं किया कि सूटेबल किस स्किन के लिए है उसका मैं एक नंबर काट लेता हूँ इसके अलावा ये एक्नी प्रोन और ऑयली स्किन के लिए लगा तो सकते हैं लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा पहले आप ऑयली स्किन का मसला हल करवाएँ एक्नी का मसला हल करवाएँ फिर उसे यूज़ करें तो दो दूसरा पॉइंट इसलिए इसका कट गया ओवरऑल मैं इसे 10 में से 8 नंबर दूंगा और बहुत अच्छी प्रोडक्ट है मेरी तरफ़ से रिकमेंडेड है आप बिल्कुल दिल खोल के इसे इस्तेमाल करें और इसे अपनी नाइट स्किन के रूटीन का हिस्सा बना लें दिन के वक्त भी लगा लें इसमें सनस्क्रीनस भी हैं फिजिकल सनस्क्रीन भी है मिनरल सनस्क्रीन भी, भी है लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं हुआ मेंशन नहीं है कि एस कितना है थर्टी है फोर्टी है फिफ्टी है लेकिन लगाई जा सकती है ये था हमारा आज का एक मज़ेदार सा रिव्यू इस मज़ेदार सी क्रीम का उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक और सब्सक्राइब मस्ट है मिलते हैं एक नई वीडियो में एक और ज़रूरी बात आपको बता दूं कि के स्किन केयर पी के फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो कुछ ने कमेंट्स किया था पिछले दिनों कि आप बता दिया करें कि आपने प्रोडक्ट्स कहाँ से परचेज़ किए हैं तो मैं आप कोशिश करता हूँ कि मैं वीडियो में ये भी बता दूँ कि मैंने कोई किसी कोई प्रोडक्ट कहाँ से ली कोई कहाँ से ली तो ये जो प्रोडक्ट है ये मैंने सात सौ रुपये की ली मेरे घर के करीब एक फार्मेसी है तो फार्मेसी पे अमूमन कोई फेक प्रोडक्ट नहीं आती सभी ओरिजिनल प्रोडक्ट्स ही आती हैं सुपरमार्केट्स वाले ये वो कुछ हेरा फेरी कर लेते हैं लेकिन आपको फार्मेसी से अच्छी प्रोडक्ट मिलेगी इसके अलावा आपने अगर ऑनलाइन परचेज़ करनी हो तो दराज मॉल पे भी जितनी भी दराज के जो दराज मॉल है वहाँ पे सारे फ्लैगशिप स्टोर्स हैं कंपनी के कंपनीज़ के अपने स्टोर्स हैं तो वहाँ से आपको हमेशा ओरिजिनल प्रोडक्ट ही आएगी अगर किसी को भेजने में कोई गलती हो जाए कोई आइटम गलती से कोई और शिप हो जाए तो उसमें प्रोडक्ट हम रिटर्न भी कर सकते हैं एक्सचेंज भी करवा सकते हैं ये भी सहूलियात होती हैं